मैं जानती हूँ कि दरोगा साहब ने समझा होगा कि एहसान जताने के लिए मैं फल ले आई थी। हाँ, उन्हें ऐसा ही लगा था। और आपको? आपको क्या लगता है? माया जी, मैं आपको माया कहूँ? अच्छा है, मुझे भी मालती कहने में सहूलियत हो जाएगी। मैंने माना कि भूषण परिवार कई मामलों में कानून के हिसाब से नहीं चलता, पर यकीन मानो हम इतने बुरे भी नहीं हैं। आप लोगों को इस टापू में आए 8 बरस हो गए ना? नहीं, 8 बरस पहले ब्याह कर मैं इस परिवार में आई। आपका बचपन कहाँ बीता है? आयरलैंड में। मेरे पिताजी भौमिकपुर के राजकुमार थे। 12 लॉ करने वो इंग्लैंड चले गए और वहीं उनकी मुलाकात मेरे माँ से हुई। आपकी माँ अंग्रेज थी? नहीं, आयरिश। राजमाता को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए पिताजी ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। वो आयरलैंड में सेटल हो गए। मेरी पैदाइश वहीं की है। एक हादसे में माँ और पिताजी का देहांत हो गया। राजमाता ने मुझे वापस बुला लिया, पर मैं उनके साथ कभी नहीं रही। स्कॉलरशिप लेकर मैं बंबई गई पढ़ने के लिए। और वहाँ तुम्हारी मुलाकात शांति बाबू से हुई? नहीं, वहाँ मेरी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसकी वजह से मैं शांति बाबू से मिली। चाय लोगे? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? दरोगा ने मुझे रोक चुकी है, जबकि मैं जल्द से जल्द टापू छोड़ देना चाहता हूं। तुम्हें रोका भी तो घबराने की क्या बात? माधवन की मौत से तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, सीधे सीधे तरीके से देखा जाए तो नहीं। भड़कने से पहले मेरी पूरी बात गौर से सुन ली। माधवन की हत्या में तुम शामिल थे? मैं सिर्फ जानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कब होगा ये नहीं जानता था। किसने मारा है उसे? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो नारायण। शांति, इतना जोर से मत चिल्लाओ, मैं दिल का मरीज हूं। ये बात सच है कि मैं नहीं जानता उसे किसने अपने हाथों से मारा है, लेकिन हाँ, अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा किसके कहने पे हुआ होगा। कौन है वो? तुम खुद से पूछो। तुम ये बात जानते थे लेकिन मानना नहीं चाहते थे। रिच? क्या करूं मैं, कैसे संभालूं? संभालना तो पड़ेगा ही शांति, अगर बात खुली तो हम सभी फंस जाएंगे। बड़ी अजीब सी बात है, या तो यहां कोई कुछ जानता नहीं है इस खून के बारे में, और या लोग कुछ छुपा रहे हैं। लगता तो ऐसी है। कोई खबर मिली? नहीं साहब। एक बात है, मैं उस वक्त हड़बड़ी में कहना भूल गया था, शायद आपके काम आ सकती है। किस बारे में?
जिस रात माधवन का खून हुआ था मैं बाजार में था, मेरे अब्बू और सभा से बात कर रहा था, तभी ये माधवन सभा से टकराया था। टकराया था माने? मतलब वो नशे में था। मैंने सभा से पूछा भी कि ये आदमी है कौन, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं था। अभी सभा ने बताया कि वो इस गांव का रहने वाला नहीं है, वो 2 साल पहले इस टापू पे आया। मैं जानता हूँ ये बात। और कोई खास बात? नहीं, बस ये 2 सेकंड की मुलाकात थी। हाँ। बहुत नशे में था, बदतमीजी कर रहा था, लेकिन सिद्धेश्वर ने मामले को संभाल लिया उस वक्त। सिद्धेश्वर कौन, उन्नाव वाला? हाँ, उसने भी पी रखी थी। लेकिन क्यों, क्या हुआ? माधवन कत्ल की रात को पुलिस चौकी पर आया था, मुखबिर था वो पुलिस का, उसके साथ साथ कोई और भी आया था, कौन मैं देख नहीं पाया। और माधवन का खून पुलिस चौकी से लौटते वक्त हुआ था जंगल में। बिल्कुल। सिद्धेश्वर कहाँ मिलेगा इस वक्त? देना उनको, बोलना मेरे को पैसा मांगता है कल। अच्छा हुआ ना जो तू आज अपुन के साथ इधर चला आया ना। एक तू नया नया ग्राहक है ना, इसलिए तेरे को दारू उधारी में मिल रही है, साथ साथ अपुन को भी। पंसु एक बात बता, मैं वो तू काय को दारू पी रहा है? क्या करेगा क्या? प्यार करता रहा, बहुत प्यार करता मैं उसको, जानता है शाम पर सुमन तेरे लायक है ही नहीं। नहीं है, बोलने का नहीं है ऐसा, सुमन के वास्ते ऐसा बोलने का नहीं है। मैं बोलती पागल है तू, पर क्या है, सुमन अच्छी लड़की है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं, न घर न खाना कपड़ा, अनाथ थी बेचारी। धीरे को चाहती होंगी, पन छोटा सेठ उसको मिलेगा तो काय को छोड़ेंगी? छोटा सेठ के पास तो गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, तेरे पास क्या है? चल शिवम मेरे साथ, चल चल जा जा, अरे धोखा देंगे तेरे को, अरे फंसा के तुझे रखेंगे और घर बसाएंगे छोटे मरे के साथ, जा चल चल शिवम इधर से चल। बाप को ऐसे बोलता है तू? बोलूंगा मरेगा। बाहर निकाल के लाओ उसको। साहब सिद्धेश्वर अंदर नहीं है, ये मिला है, उसको बाहर लेके आओ। चल, अरे चल। सिद्धेश्वर कहां पर है? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो इस घर में तू क्या कर रहा था? अब ये क्या कर रहे हैं आप? कानून में ऐसा नहीं कर सकते आप। मुझे कानून मत पढ़ाओ,
मुझे सिद्धेश्वर चाहिए किसी भी हालत में। सिद्धेश्वर तुम्हें जल्दी से टापू छोड़ना पड़ेगा, मैं किसी वक्त भी नहीं पहुंच सकता। अपन तो बाल बाल बन गए हैं साहब, छापा पड़ने से इतना पहले निकल पाया अपन। देवा तुम गांव जाकर ब्रह्मपुर पर नजर रखो, अखिलार तुम सिद्धेश्वर को लेकर समुद्र किनारे पहुंचो। देवा मदन को बोलना नाव बंबई जाएगी। लेकिन देवा पहले ब्रह्मपुर पे नजर रखो, मुझे डर है कहीं हमसे पहले वो समुद्र किनारे ना पहुंच जाए। केदार जी, देवा जब तो वापस ना आए सिद्धेश्वर को पीछे वाली कोठी में रखो। बहुत अच्छा, सलाम सर। ब्रिज, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। इस बार वाकई तुमने जल्दबाजी कर दी। मैं कुछ बात करना चाहती हूं। बोलो। अपने परिवार के साथ मैं अकेले में बात कर सकती हूँ? भाभी, मैं हमेशा ही इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और इस वक्त इस परिवार को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए भी खतरा उतना ही बना हुआ है। वो लॉन्च वाला टापू छोड़कर अचानक कहाँ जा रहा है? का मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। पिछले दिन गांव में जो हत्या हुई थी उसके जिम्मेदार इस घर के लोग हैं। भाभी, ये व्यापार की बात है, आप ये सब सोच के परेशान मत होइए। ओ, तो धीरे धीरे हमारा व्यापार बदलता जा रहा है। तस्करी के बारे में तो मैं जानती थी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम पेशेवर कातिल भी होंगे। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो शायद बकवास हो सकता है, पर ब्रिज तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और वो भी किसके बहकावे में आकर। तुम? अब आप मुझे ये मत समझाइए क्या बुरा है क्या अच्छा, बेहतर ये कि आप अंदर जाएं। भाभी, औरतों के लिए यही बेहतर है कि वो घर के अंदर रहे। शांति, समझ रहे हो ना कि स्थिति कितनी विस्फोटक है? कहां पर है? सो रहे हैं। जाकर जगा दीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे शांति भूषण से ही बात करनी है। एक ही बात है। एक बात नहीं है, मुझे समझने की अभी उम्र नहीं हुई है तुम्हारी। तो ये दारुगा साहब कैसे आना हुआ? सिद्धेश्वर कहां पर है? सिद्धेश्वर जो लंच में काम करता है। ठीक पहचाना आपने। भला मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो कहाँ है? आखिर बात क्या है? माधवन की हत्या का आरोप है उसके ऊपर। अजीब बात है, मैंने तो उसे बहुत सीधा साधा लड़का समझा था। इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि सिद्धेश्वर कहां पर है? जाहिर है, लेकिन आप कैसे क्यों लगा कि सिद्धेश्वर यहां होगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शांति बाबू, इस गांव में दो ही लॉन्च है। गुलजारी की लॉन्च पर तो पुलिस का कब्जा है, हो सकता है सिद्धेश्वर आपकी लॉन्च पर भागने की कोशिश करे, और हमें उम्मीद है अगर ऐसी कोई कोशिश वो करेगा तो आप हमें इतला जरूर देंगे। हम लोग समंदर की तरफ जा रहे हैं, कोई खबर हो तो वहां पहुंचा दीजिएगा। अब क्या करें?
सिद्धेश्वर को समंदर के रास्ते भगाना नामुमकिन है। ब्रह्मदत्त पूर्वी तट की ओर गया जहां हमारा नाव, सिद्धेश्वर को पश्चिमी तट की ओर भगा जा सकता है, लेकिन वहां तो उबड़ खाबड़ चट्टाने, लेकिन ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। केदार, तुम छोटे रास्ते से समंदर तट पर पहुंचे और बबन से कहो कि नाव पश्चिमी तट पर लिया, और सिद्धेश्वर से कहो कि वो पश्चिमी तट पर पहुंचे। जी बहुत अच्छा। ऐसा कैसा चलेगा ऋषिवम? अब इनको मालूम इस नहीं ना, मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्या होएगा मालूम नहीं ना मेरे को। तेरे को मेरे पर भरोसा नहीं? देख सुमन, अभी तो अखा दिन अखा रात एक ही बात घूमता है मेरे भेजे में कि तेरे को ले जाएगा कोई, एक दिन तेरे को मेरे से कुछ लेके चला जाएगा, यही सोचता है। यकीन कर शिव, मैं किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा साहब, अपन चलता है। फिक्र मत करो, खाड़ी पार तुम्हारा नाव इंतजार कर रही है। रामदास जिस तरफ गया तुम्हें उसकी उल्टी तरफ जाना होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से निकल जाओगे। ये तुम अपने पास रखो, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत हो। अच्छा साहब, फिर मिलेंगे अपन। साहब वो किधर मिलेगा, क्या बोलेगा साहब, बोल नहीं सकता है ना। तो जानता है उसे? हाँ साहब, इधर ही देखो, वहींगा अपने घर में। नहीं, घर पे नहीं है, गोदी में भी नहीं है, तुझे मालूम कहाँ है? अभी क्या बोलेगा साहब। तो लॉज पे काम करता है ना? चल चल, मेरे साथ तेरे को लॉन्च चलानी है। नहीं चला सकता ना साहब, अपन तो साफ सफाई का काम करता ना, लॉन्च कैसे चलाएंगे? अरे चल, कुछ तो जानता है ना। चल, इसकी तबीयत खराब है, ये किधर ही नहीं जाएगा। अरे छोकरी बीच में बोल, चल तू मेरे साथ। छोड़ इसको, हट। अरे चल, हट। क्या हुआ सुनो, देखो ना, जबरदस्ती इसको लेके जा रहे। क्या बात है भाई? कुछ नहीं सलीम बाबू, बस ऐसे कुछ जरूरी काम था इसलिए इसको लॉन्च चलवाने के लिए ले जा रहा था। अरे कमाल कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो उसकी हालत, और उसकी मर्जी के खिलाफ तुम कैसे ले जा सकते हो उसे? ठीक हो? हाँ ठीक हो, आओ। अगर जंगल में भागने के रास्ते छोटे होते हैं तो तुम ये भूल गए कि ढूंढने के रास्ते उससे भी छोटे हो सकते हैं।